एनी ट्रामा यानी कोई चोट लगने की वजह से किसी सर्जरी की वजह से सनबर्न की वजह से uh, या फिर कभी कभी बर्न्स जैसे कि केमिकल बर्न्स, को भी ब्लीचिंग के बाद या किसी भी किस्म की सोजिश के बाद जब भी आपको स्किन पर पिगमेंटेशन होती है तो उसको कैसे डील किया जाए सो बिफोर आई टॉक अबाउट मे लेस्मा वेथ यू आईड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सो आई बीन लर वर्किंग फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डर्मेटोलॉजी And aesthetics and lasers as well. So uh, I have done my postgraduate training from Pakistan Institute of Medical Sciences and Pakistan Atomic Energy General Hospital. I've done my FCPs training here, and I've also done my postgraduate training at the NHS uh, from St Thomas's Hospital and Guy's Hospital in England. Uh, I'm a member of uh, Royal College of Physicians. I'm also a member of College of Physicians and Surgeons of Pakistan, and I'm also.

स्किन डिसीजेज इन पाकिस्तान ये हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिजीज़ है जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया पाकिस्तानी इंडियन स्किन बिकॉज ऑफ आर हैव मोर मुलाजमा केसेज दैन इन द वेस्ट छाई होती क्या है बेसिकली इट अ ब्राउनिश डिसकलेशन विच इज़ ऑन द चीक्स फोर हेड ब्रिज ऑफ द नोज एंड द अपर लिप मोस्ट ऑफ द वेमेन ज्यूरिंग प्रेगनेंसी डिवेलप मुलाज्मा और इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेमन डिवेल्प ज्यूरिंग प्रेग्नेंसी टेन परसेंट ऑफ द मैन ऑल्सो हैव मिलेज्मा एक तो रीज़न हो गया प्रेगनेंसी दूसरा हॉर्मोनल इम्बेलेंस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर मिलेज्मा छाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है सन एक्सपोजर सो हम कोशिश करते हैं कि अपना सन एक्सपोजर मिनिमल रखें सो जब भी हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है आई मेक श्योर दै आई टेक अ कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिन द पेशेंट आई मेक श्योर दैट हिस्ट्री में मैं उनका प्रोफेशन देखूँ कि अगर उनका बहुत फील्ड वर्क तो नहीं है एक्सेसिव सन एक्सपोजर तो नहीं है और कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाई वेरिंग अ लॉन्ग अट्रेम्ड हार्ट और वेरिंग अ सन ब्लॉक वेरिंग अ मास्क देन आई ऑल्सो असेसिंग फॉर एनी थायरॉयड इश्यूज बिकॉज थायरॉयड एनमेजमाटेड एज वेल सो अपार्ट फ्राम दैट आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई टेक अस्ट्री ऑफ ऑल द मेडिकेशन दट द पेशेंट इज टेकिंग बिकॉज अलॉट ऑफ टाइम्स सम मेडिसन्स आर एक्चुअली पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग पिगमेंटेशन इन सम पेशेंट्स जिनमें से कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स भी हैं बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ भी शामिल हैं जो कि पिगमेंटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं पेशेंट्स में सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द काजेज ऑफ पिगमेंटेशन नाउ एल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट आर अवेलेबल सो हम अपने क्लिनिक पे सबसे पहले जब पेशेंट आता है मैं आपको टॉपिकल क्रीम सबसे पहले तो वो ऑप्शन देती हूँ जिसमें से एक टू मंथ्स और थ्री मंथ्स का एक मैं आपका साइकिल बना देती हूँ बिकॉज द प्रॉब्लम विद मिलेजमा इज दैट इज जस्ट लाइक हाइपर टेंशन डायबिटीज वेयर वी कैन कंट्रोल इट

लेजर से कभी घबराते नहीं हैं बिकॉज दीज आर द सेफेस्ट ट्रीटमेंट दीज आर द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट्स बहुत सुपरफिशियल पेनीट्रेशन है इट जस्ट पेनीट्रेट्स इन द सुपरफिशियल एयर्स ऑफ द स्किन और जितनी भी पिगमेंटेशन आपके स्किन में डेवलप हुई हुई है क्यू स्विच लेजर उस पिगमेंटेशन को मिलेजमा को कम करता है क्यू स्विच लेजर का आज मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगी कि कैसे ट्रीटमेंट के बाद कोई रेडनेस स्वेलिंग नहीं होती और मैं अपनी पेशेंट्स का ख़ुद क्यू स्विच लेजर करती हूँ अपने क्लिनिक पर और साथ में बहुत सारे और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी मौजूद हैं मगर क्यू स्विच लेजर सबसे फेमस पॉपुलर ट्रीटमेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन करता है इट आल्सो गिव्स यू अ वेरी ग्लोइंग कम्पलेक्शन इट मेक्स योर स्किन मोर इवन टोन्ड आपका लोअर फेस जो अक्सर पेशेंट्स में डार्कर होता है Uh, वो बेहतर हो जाता है आपका अंडर आई डार्क सर्कल्स उसकी रिडक्शन होती है अगर किसी के स्मोकिंग um, की वजह से निकोटिन स्टेनिंग है लिप डार्कनिंग है वो भी uh, इसी लेजर से हम ट्रीट करते हैं सो मैन द पेशेंट कम्स टू मी आई मेक अ कस्टमाइज प्लान फॉर देम जिसमें मैं उनको कुछ क्रीम्स देती हूँ और उनके अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ के अकॉर्डिंगली उनके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्ट करती हूँ स्विच के अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और भी मौजूद हैं जिनमें इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स हैं जिनमें कभी हम कुछ सिरम्स आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं पी है जिसमें हम आपका अपना ही ब्लड लेते हैं वी प्रोसेस इट एंड वी इंजेक्टेड इन टू योर स्किन दें दे आर सर्टन वाइटमिन कॉकटेल इंजेक्शन विच ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन मेकिंग योर स्किन हेयर एंड नेल्स हेल्थी एक ट्रीटमेंट और है जो कि विच इज़ वेरी रीसेंट एंड इट्स वेरी फेमस एंड इट्स वेरी प्रॉमिसिंग इट्स आल्सो एन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिस ओनली कपल ऑफ सेशन एंड दिसमेंस री मॉडलिंग एंड रीजुविनेशन ऑफ द स्किन उसके बाद आपकी ग्लासी ग्लोई स्किन हो जाती है उसमें भी पिगमेंटेशन डाइटर्न होती है सो वेन एवर यू कम टू अस आई गाइड यू अबाउट द ट्रीटमेंट सो वी हियर फॉर द लाइफ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द क्यूसिच लेजर एज यू कैन सी दैट द लॉट ऑफ मिलेजमा हाईपर पिगमेंटेशन गोइंग गॉन ऑन बोहोत साइड्स ऑफ द चीक अ लिटल बेट ऑन द फोर हेड एंड ऑन द ब्रिज ऑफ द नो एंड शी इज ऑल्सो गॉट इड ऑन दी अपर लिप एरिया सो आल बी यूज इन क्यूसविच लेजर ऑन हर And I'll be showing you uh, how uh, the laser can be used to reduce the pigmentation with absolutely no downtime. So let's just start the treatment now. face side. Thank you. as you can see that the patient is very comfortable so we give multiple passes on the pigmentation patches even one session of treatment makes a huge difference and when the patient comes back to us after uh, one month there's uh, absolutely no pigmentation so yet to take treatment options to melasma are available here छाई से सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो माई क्लिनिक इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद एंड आई वर्क फ्राम टेन ओ इन द मॉर्निंग टिल फोर थर्टी इन द आफ्टरनून आई आल्सो डू वीडियो कंसल्टेशंस फॉर पीपल हु लिव आउटसाइड इस्लामा यू कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल डॉक टू बुक इन ऑनलाइन कंसल्टे विद मी यू कैन ऑल्सो बुक एन अपॉइंटमेंट ओवर दया फॉर फिजिकल कंसल्टे विद मी